यह बात तो आपको अच्छे से पता होगी कि जेल में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जेल का नाम लेते ही मन में कई तरह के सवाल पैदा होने लगते हैं। कैदियों के खाने पीने से लेकर वहाँ की रहने की व्यवस्था समेत कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम ऐसे जेल के बारे में बताएंगे जहाँ इन सब बातों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। इस जेल में रहने वाले हर कैदियों पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इन वजहों से इस जेल को दुनिया की सबसे महंगी जेल के तौर पर माना जाता है। इस जेल का नाम ग्वांतानामो बे है, जो क्यूबा में स्थित है। इस जेल का नाम यह इसलिए पड़ा क्योंकि यह ग्वांतानामो खाड़ी के तट पर स्थित है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस जेल में फिलहाल 40 कैदी हैं और हर कैदी पर सालाना करीब 93 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस जेल में करीब 1800 सैनिक तैनात हैं। यहाँ सिर्फ एक कैदी पर करीब 45 सैनिकों की नियुक्ति है। जेल की सुरक्षा में तैनात सैनिकों पर हर साल करीब 3900 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जेल में कैदियों को इतनी सुरक्षा क्यों दी जाती है। तो आपको बता दें कि यहाँ कई ऐसे अपराधियों को रखा गया है जो बेहद ही खतरनाक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9/11 हमले का मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद भी इसी जेल में बंद है। ग्वांतानामो बे जेल में 3 इमारतें, 2 खुफिया मुख्यालय और 3 अस्पताल हैं। इसके साथ वकीलों के लिए भी अलग अलग कंपाउंड बनाए गए हैं जहां कैदी उनसे बात कर सकते हैं। इस जेल के स्टाफ और कैदियों को होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं। कैदियों के लिए इस जेल में चर्च, जिम, प्ले स्टेशन, सिनेमा हॉल की व्यवस्था की गई है। पहले ग्वांतानामो बे में अमेरिका का नेवी बेस था, बाद में इसे डिस्टेशन सेंटर यानी हिरासत केंद्र बना दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यहाँ एक कंपाउंड बनवाया जहाँ आतंकवादियों को रखा जाता था। इस कैंप को एक्सरे नाम दिया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।